नमस्कार। आइए अरे बैठिए बैठिए आप बैठिए। आओ रामू कैसे आना हुआ भाई? बताते हैं मुखिया जी, क्या बताएं। अरे आज तो पूरा परिवार लेके आ गए। अरे किस्मत की बुराई को सयाद क्या करे मुखिया जी। हाँ। किस्मत की बुराई को सयाद क्या करे और सर पे गड़े पहाड़ तो फरियाद क्या करे। अब यहाँ तो फरियाद तो करनी पड़ेगी आपको। वही तो कह रहा हूँ, मैंने इन लड़कों की शादी, जो आपके सामने खड़े हुए हैं ये, मैंने इन लड़कों की शादी करा दी। अब इन्होंने एक ही औरत से चारों ने शादी की। क्या बात है मुखिया जी? आश्चर्य आश्चर्य, एक नारी चार पुरुष। अरे ये लड़के बोले मुखिया जी के पापा, जब हम भाई एक थाली में खाना खा सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं, तो हम एक औरत को भी रख सकते हैं चारों। जी तुम्हारे खानदान में होता होगा जी ये परंपरा? तुम्हारे समाज में नहीं है परंपरा? तो मुखिया जी बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन शायद आपको ध्यान नहीं। पांचाली का किस्सा याद है आपको? अरे वो बातें कहाँ लेके बैठ गए आप? वही बातें चली आ रही हैं मुखिया जी, वही बातें चली आ रही हैं। वो और जमाना था, लेकिन बातें वही चली आ रही हैं। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। हाँ मुद्दे पे ही आते हैं। अब आया मुखिया जी वो सुहागरात वाला मसला हो गई। अरे पहले सुन तो लीजिए आप। अच्छा। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? सुहागरात में उचक क्यों जाते? मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे अपनी सुहागरात याद आती है। तो आपकी सुहागरात तो हो गई, अब क्या? तो वो सुहागरात का मसला आया। अब बड़ा कहता है कि पहले हम। हाँ तो उसका अधिकार पहले है। छोटा कहता है कि पहले हम। वो उससे छोटा कहता है कि पहले हम, फिर उसके बाद में वो कहता है कि पहले हम। अगर आपको और कोई शक वाली बात हो तो आप इनसे इनके बयान सुन लीजिए। बेटा बताओ मुखिया जी को सारी बात, सच सच बता दो। हमारी सुन लो मुखिया, हाथ नीचे करके बात कर। मुखिया जी है, वही कह रहे कि हमारी सुन लो मुखिया जी, हमारी सुन लो। और अरे पप्पा। हाँ बेटा। यहाँ पे आए हो, कम से कम कुछ बोलो तो, बात तो करो, खामोश बैठे हो एकदम। ये देखो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, उसको पते पूरा तू बहरा है बेटा, पूरा ब्रह्मांड घूम गया और तुम अभी तक सुन रहे हो तो समझ नहीं पाए। भाई साहब आपको अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों? अवार्ड मिलना चाहिए आपको। क्या क्या पीस पैदा किए, यहाँ भागवत गीता हो रही है, उसको पता ही चला राम बहरा है, सुनता नहीं है वो। ये बहरा है? हाँ। और वो? वो हकला है। सब जानता हूँ, वो सब समझ लेता है, गोली तो नहीं पाता। क्या गोली मारेगा? गोली नहीं तो नहीं पाता, खोल तो नहीं पाता। ये तोतला है, मुंह से खोल नहीं पाता। मुखिया जी ये तोतला है और ये अंधा है। बहुत अच्छे, बहुत पापा, क्या कारखाना है तुम्हारा, तुम्हारे क्या क्या खोल ले सुना खोल लो। अरे कान खोल लो भैया, हम हारों ने किया है। तुम सालों ने किया है? साले नहीं, चारों ने किया है। चारों ने? चारों ने। खड़ा मैं हूँ। खड़ा तू है? अबे क्या कर रहा है? खड़ा मैं हूँ। अबे खड़ा छोटा ये है। अबे ये सब खड़े। एक दो तीन चार, हड़ा मैं हूँ। अच्छा बड़ा, अच्छा, बड़ा है, बड़ा बड़ा ये है, मैं भी तो नहीं समझ पाया। अरे क्या बताऊँ। हाँ ये लोग हड़े पढ़े नहीं है, बेकार। तो मेहरारुआ हमको मिलनी चाहिए, हम उसके साथ पहले सोएंगे, सुहाग की रात जो है उसके बाद। नहीं पहले हम दाएंगे फिर थप दाएंगे। हाँ है? पहले मैं जाऊंगा मुखिया जी, मेरा फैसला करो। मुखिया जी मेरा फैसला करो, ये लोग मुझसे बड़े हैं,
ये मुझसे छोटा भाई ये कहाँ गया? इन लोगों ने पूरी दुनिया देखी, पूरा जहां घूमे। आप बताओ, मैं तो अंधा हूँ। अबे इन चारों दुनिया देखी, क्या तू पुलिया देखेगा? वो भी देख नहीं सकता, महसूस तो कर सकता हूँ। हाँ टटोल लेगा। हाँ 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 चल अच्छा इधर आ, चलो इधर आओ। अबे इधर आ, क्या क्या पीस निकाले यार, क्या बताएं। हाँ तू भी भैया, ये आगे आए कुछ बोले नहीं है। ले भगवान, या तो उनको सबको हाउस दे दे या मुझे उठा ले। भैया हाँ मुखिया, हमारी बात एक समझ में आई है। हाँ जब तुम्हारा कारखाना ठीक नहीं था तो जब तुम्हारी मशीन अच्छी नहीं थी तो कारखाना बंद कर देते, क्यों इतने तो प्रोडक्शन निकाले हैं? मुखिया जी, बापू के खिलाफ एक भी बात करी तो हरा नहीं होगा। क्या होगा, खड़ा नहीं होगा? तेरे खिलाफ हम लोग सुन नहीं सकते। हाँ ठीक है, नहीं तो हरा नहीं होगा। मशीन तो ठीक थी हाँ। लेकिन थोड़ा क्या, वो थोड़ा समय से हम चले गए थे बाहर, इसलिए वो कुछ ऐसा लगता है। आपको ये लॉकडाउन में पैदा किया तुमने? नहीं, हर साचा सही है। साचा सही है, कह रहा है लड़का। मौसम बिगड़ गया था। अच्छा अच्छा, अरे मुखिया जी छोड़िए इन बातों का, अब आप फैसला कीजिए कि कैसे क्या होना चाहिए। ये कहता हम तुम एक काम करो, इन चारों को लेकर घर जाओ। अच्छा, और ये इनकी औरत यहाँ छोड़ जाओ। रात भर हम इसके साथ बैठ के संशोधित करेंगे, उससे रिसर्च करेंगे, फिर सुबह फैसला सुनाएंगे। हम चारों बाहर। हाँ बाहर। अब ये हमारी हेरारू यहाँ, उस पर तुम शोधन करोगे? शोधन नहीं, संशोधन। अच्छा संशोधन करोगे, कदापि नहीं, जो कुछ होगा सामने करोगे। अरे बेटा मुखिया जी, उसको समझाएंगे कि भाई इनके पास में कैसे रहना है, कैसे तुम लोगों के साथ में रहना है, कैसे इसके साथ में रहना है, कैसे इसके साथ में रहना है, ये समझाएंगे इनको। भैया हमको भी तो बताओ क्या बात। मर जा मर जा मर जा मर जा। हम बताए, तुम्हें बताते हम थक गए। समझ पाता है भैया? आप भी एकदम शांत खड़े हो, पप्पा भी एकदम शांत बैठे हैं, प्रधान जी भी एकदम शांत बैठे हैं। हमारा हम क्या करें, कुछ बताओगे नहीं हमको? हमारे एट की हाथ ऊपर को आ गई, तू साले समझ ही नहीं पाया क्या क्या हो रहा है। वो जा रही है मुखिया के पास। अरे मुखिया में, मुखिया में ये तले इतो यहाँ लग को हम लोग तले। हाँ तले हम लोग चले। हाँ ये यही ले यही। मुखिया जी ये चारों के चारों मिलके मुझे पागल कर देंगे। आप ऐसा अगर यहाँ रात भर रह गए तो हम खुद पागल हो जाएंगे। ऐसा करो तुम लोग चलो मेरे साथ में, मुखिया जी छोड़ जाओ। मुखिया जी रात में इसको समझाएंगे बुझाएंगे, समझे, तो सुबह फिर इसको लेके चले जाएंगे। रात भर इसका चेकअप करेंगे, चेकअप करेंगे। मुखिया जी क्या आप डॉक्टर हैं तो चेकअप करो, समझाएंगे रिसर्च करेंगे। ये चिकित्सालय दो तुम क्या वैध हो, क्या लड़का वैध हो तुम? तू अगर इनकी औलाद ना होता ना, एक ही चूता मत। अच्छा हाउस में ले रहे हो लड़के को? धौंस में मतलब मुखिया जी, जो हमारा बड़ा लड़का है ये गांव का। आप ले जाइए, तो ले जाइए यहाँ से। ठीक है, ये फार्मूले यहाँ से ले जाइए। चलो बेटा चलो, मुखिया जी नाराज हो गए। देखो मुखिया, हमारे हक में बात होनी चाहिए। जैसी है वैसी सुबह मिलेगी। गंगा का अभी बात नहीं करना। नहीं अभी करने नहीं करेंगे हम। ठीक है चलो बेटा चलो। क्या जी थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप फिक्र ना करिए, और मैं सुबह आ जाऊंगा, समझे? प्रधान जी ये एक काम करिए, मेरा नंबर ले लीजिए, जैसा हो हमको फोन करके बता देना। अबे सुनाई तो पड़ता नहीं है तुझे, फोन करके क्या बताया जाएगा? एक्सचेंज वालों बता देंगे। क्या पागल साले, कहाँ से मेरे कहाँ इकट्ठे हो गए, कैसे कैसे इकट्ठे हो गए मुखिया जी, मैं तो परेशान आ गया।
मैंने ये सोचा कि इनके जल्दी से हो जाए। ये बताइए आप जी, ये 20-22 साल आपने कैसे निपटाए होंगे? अरे 20-22 साल तो निपटा लिए, मैं तो इस चक्कर में था और इसी चक्कर में हूँ कि इनके चारों का हो जाए तो मैं भी अपना कुछ इंतजाम। अरे और क्या, अकेले कैसे जिंदगी कटेगी मुखिया जी? इस उम्र में तुमको ये सूझा है तो क्या, तभी तुम्हारी नाला के औलाद पैदा हुई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो मूछों के बाल सफेद तो हुए हैं। अच्छा बाकी को गोदाम सही है। जाइए, आप तो जानते हैं। अच्छा मुखिया जी जाइए, आइए। बैठो और क्या करोगी। ये क्या कर रहे हो? संशोधन रिसर्च कर रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? बर्दाश्त करो, बत्ती बंद करो, चलो।